हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रिस्पिरेटरी अफेक्शन ऑफ एलियम सेपा एंड यूफ्रेशिया। सो ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो जब भी हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के बारे में पूछा जाए तो हमें सबसे पहले मतलब कंपेयर यानी कि हमें दो मेडिसिन के बीच में कंपेयर करना है, एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके बीच में से जो भी डिफरेंस पॉइंट से हमें वो लिखने हैं। सो जब भी हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा जाए तो हमें सबसे पहले लिखनी है सिमिलैरिटीज, यानी कि उन दोनों मेडिसिन में क्या सिमिलर पॉइंट्स हैं। सो पहले हम सिमिलैरिटीज लिखेंगे और उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है सिमिलैरिटीज एलियम सेपा और यूफ्रेशिया में। सो एलियम सेपा एंड यूफ्रेशिया हैज़ सोरिक मायाज़म। सो ये दोनों भी सोरिक मायाज़म से बिलोंग करते हैं। इन बोथ देयर इज अ स्नीजिंग विथ फ्लुएंट कोराइज़म। सो दोनों भी रिमेडीज में स्नीजिंग होगी और फ्लुएंट कोराइज़ा भी प्रेजेंट होगा। इन बोथ आईलिड्स बर्न्स एंड आर सेंसिटिव। दोनों भी रिमेडीज में हमें ये सिम्टम दिखाई देगा कि आईलिड्स का बर्निंग होगा और आईलिड्स बहुत सेंसिटिव होगी, और इन दोनों भी रिमेडीज में जो सिम्टम्स है वो इवनिंग में एग्रीवेट हो जाती है और ओपन एयर में एमिलियोरेट हो जाते हैं। सो एग्रीवेट मतलब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और एमेलियोरेशन मतलब सिम्टम्स कम मतलब रिलीफ, पेशेंट रिलीव फील करता है। सो नाउ हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट। सो जब भी हमें कॉन्ट्रास्ट करना होता होगा तो हम क्या करेंगे, हम पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, एक छोटा सा कॉलम और 2 सिमिलर साइज के कॉलम। सो जो छोटा कॉलम है हम उसको हेडिंग देंगे पॉइंट्स, देन जो दूसरा कॉलम है उसमें हम लिखेंगे कि जो जिसको हमें कंपेयर करना है उन रेमेडीज़ का नाम हम उन दो बड़े बड़े कॉलम्स में लिखेंगे। सो सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट है कि कॉमन नेम। सो एलियम सेपा का कॉमन नेम है ओनियन, और यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस का कॉमन नेम है आईब्राइट। फैमिली एलियम सेपा बिलोंग्स टू लिलिएशी फैमिली एंड यूफ्रेशिया बिलोंग्स टू स्क्रोफ्यूलरेशी फैमिली। सो एलियम सेपा इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हेरिंग एंड यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनेमन। देन एलियम सेपा आर हॉट पेशेंट वाइल द यूफ्रेशिया पेशेंट्स आर चिली। देन एलिमेंट्स फ्रॉम में हम देखेंगे कि जो भी एलियम सेपा के जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं बाय गेटिंग वेट विथ सैलड एंड कुकुम्बर, कोल्ड डैम्प पेनिट्रेटिंग वाइंस इन एनी क्लाइमेट। देन यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस के जो पेशेंट्स हैं उनको एलिमेंट्स हो जाते हैं मतलब उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं ब्लोच से, ब्रूजेस से, कंट्यूजन से, कोल्ड एयर से या वाइन से, या फिर कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो जाती है। सो उससे यूफ्रेशिया के एलिमेंट्स मतलब यूफ्रेशिया के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। अब हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मतलब अच्छा होगा कि हम अगर कॉमन नेम वगैरह लिख ले तो, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इसे सब कुछ बताएं। फिर उसके बाद हमें उसमें भी ज़्यादा मतलब पेज हमें वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम पेज में हमें उन सब कॉमन नेम वगैरह को मतलब कम जगह में उनको लिखना है, और हमें मेन पॉइंट में आ जाना है कि हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में। सो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में हम जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले लोकेशन लिखनी होगी। सो लोकेशन मतलब जहाँ की मतलब रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट से हो रहे हैं। सो एलियम सेपा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइज, नोज, थ्रोट एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, एंड बिगिंस ऑन लेफ्ट एंड देन गोज टू द राइट साइड। देन यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस में सो थ्रू द गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स अपॉन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आइज, आईलिड्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो इन शॉर्ट लोकेशन में हमें लिखना होगा कि जो कंप्लेंट्स होगी रेस्पिरेटरी उनके वहाँ हमें मतलब किस किस पार्ट्स की कंप्लेंट्स दिखाई देंगी, या फिर उस सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लेंट्स है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के होंगी, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट्स से होंगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ और किन किन पार्ट्स के हमें प्रॉब्लम दिखाई देंगे, जैसे कि आइज और
मतलब कौन से पार्ट्स के हमें कंप्लेंट्स दिखाई देंगी। देन सेंसेशन, कि जो भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है उसका सेंसेशन कैसा होगा। सो एलियम सेपा में क्या होगा कि इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लीड्स टू इंक्रीज सिक्रेशन थ्रू द नोज। सो जो भी कैटल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज का जो कैटल इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि नोज से भी जो भी सिक्रेशन है उसकी मात्रा बढ़ जाएंगी। देन यूफ्रेशिया ऑफिशियल्स में क्या होगा, सिक्रेशंस आर म्यूकस इन द बिगिनिंग बट टर्न्स प्यूरुलेंट लेट। सो पहले जो होगा, जो सिक्रेशंस होंगे वो म्यूकस नेचर के होंगे, लेकिन बाद में वो प्यूरुलेंट नेचर में कैरी ऑन होंगे। देन जो डिस्चार्ज होंगे वो होंगे प्रोफ्यूज, एलियम सेपा में होंगे प्रोफ्यूज थीन एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विच बर्न्स लाइक फायर विद अ ग्रेट स्मार्टिंग इन द नोज एंड आईज। देन यूफ्रेशिया ऑफिशियल्स में जो डिस्चार्ज होंगे वो होंगे प्रोफ्यूज फ्लुएंट एंड ब्लैंड नेजल डिस्चार्ज। सो ये पॉइंट बहुत IMP है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि डिस्चार्ज कौन सा एक्रिड होता है और कौन सा ब्लैंड होता है। सो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि एलियम सेपा में जो डिस्चार्ज होगा, जो नोज से डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड होगा, और जो आईज से डिस्चार्ज होगा वो ब्लैंड होगा। और उसके उल्टा यूफ्रेशिया में जो नोज से डिस्चार्ज होगा वो ब्लैंड होगा, और जो आईज से डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड होगा। सो एक्रिड का मतलब क्या है, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, और ब्लैंड मतलब ज़्यादा कुछ उससे मतलब हमें सेंसेशन फील नहीं होती। देन प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन एंड प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन इन यूफ्रेशिया। देन एजेस ऑफ आईलिड्स बर्ड्स एंड आर सेंसिटिव टू लाइट इन एलियम सेपा। सो एंड ड्राइनेस ऑफ द लीड्स एंड द मार्जिन्स ऑफ द लीड्स एंड रेड स्वोलन बर्निंग एंड सेंसिटिव इन अ यूफ्रेशिया। सो इन एलियम सेपा द कंप्लेंट स्टार्ट विद स्नीजिंग, वाइल इन यूफ्रेशिया स्नीजिंग विद कंप्लेंट स्टार्ट विद स्नीजिंग विद फ्लुएंट कोराइसा। देन एलियम सेपा में नेक्स्ट सिम्टम क्या है कि कंजेशन विद द सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द नोज विद अ थ्रोबलिंग एंड बर्निंग एंड समटाइम्स नोज ब्लीड्स। वाइल इन यूफ्रेशिया आईज वाटर ऑल द टाइम एंड आर एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग। सो जो एलियम सेपा है, तो एलियम सेपा में क्या होगा, नोज हम कंजेस्टेड फील करेंगे, मतलब और बहुत ही ऐसा लगेगा हमारा कि हमें हमारा नोज मतलब बहुत ही फुल हो गया है, और बर्निंग सेंसेशन भी हम नोज में फील करेंगे, और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि हमारे नोज से खून भी आ रहा है। देन यूफ्रेशिया ऑफिशियल्स में क्या होगा, यूफ्रेशिया में वो आईज कंजेस्टेड रहेंगी, वहाँ आईज में बहुत ज़्यादा मतलब आईज से पानी आएगा, और आईज एग्लूटिनेटेड होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पानी एक्यूमुलेट हो गया है, ऐसा हमें यूफ्रेशिया में फील होगा। देन नेक्स्ट इज रॉनेस इन लैरिंग्स थ्रोट नोज टीयरिंग पेन इन लैरिंग्स। सो इन यूफ्रेशिया वहाँ क्या होगा कि लैरिंग्स में हमें रॉनेस फील होगी, और वहाँ ऐसा लगेगा कि हमारा थ्रोट भी रॉ हो गया है, देन नोज भी ऐसा मतलब हम रॉनेस फील करेंगे, इन शॉर्ट लैरिंग्स में, थ्रोट में, नोज में, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा लैरिंग्स जो है वो टीयर हो रहा है। देन इन यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस वहाँ देर इज इरिटेशन इन अ लैरिंग्स कंपेलिंग टू कप फॉलो बाय प्रेशर बीनिथ द स्टर्नम। सो यूफ्रेशिया में क्या होगा कि हमें कफिंग होगी, और जो कफिंग करते वक्त हमें ऐसा फील होगा कि हमारे स्टर्नम पर प्रेशर आ रहा है। देन इन एलियम सेपा कोराइसा एक्सटेंड्स टू द ब्रोंकाई विद अ प्रोफ्यूज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस कफिंग विद अ रैटलिंग, एंड इन यूफ्रेशिया कोराइसा एक्सटेंड इन टू द लैरिंग्स विथ अ हार्ड कप। सो जो एलियम सेपा में क्या होगा, जो कोराइसा है वो ब्रोंकाई तक एक्सटेंड होगा, लेकिन जो यूफ्रेशिया है वहाँ वो जो कोराइसा है वो लैरिंग्स तक ही एक्सटेंड होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज मोडालिटीज। सो एलियम सेपा, ऑल कंप्लेंट्स ऑफ एलियम सेपा आर एग्रीवेटेड इन इवनिंग कोल्ड एयर एंड ऑन एंटरिंग वार्म रूम, वाइल ऑल कंप्लेंट्स ऑफ यूफ्रेशिया ऑफिशियलिस आर एग्रीवेटेड ड्यूरिंग नाइट वाइल लाइंग डाउन, डे टाइम ओपन एयर, इवनिंग सन, बेड, इंडोर्स एंड वार्म्स।
देन ऑल कंप्लेंट्स ऑफ एलियम्सेपा आर एमेलियोरेटेड इन ओपन एयर एंड कोल्ड रूम, वाइल द ऑल कंप्लेंट्स ऑफ यूफ्रेशिया आर एमेलियोरेटेड इन अ डार्क रूम ओपन एयर, वाइपिंग द आईज, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन एंड कफ. देन अकम्पनिंग सिम्टम्स, यानी कि ये सारे सिम्टम्स के साथ और क्या क्या सिम्टम्स से वो डिजीज अकम्पनाय होगा, यानी कि कैरी ऑन होगा. सो अकम्पनिंग सिम्टम्स होंगे कि फोटोफोबिया, डिजायर फॉर रॉ ऑनियंस, ये हमें दिखाई देगा एलियम्सेपा में. और हमें यूफ्रेशिया में क्या दिखाई देगा, यूफ्रेशिया में हमें दिखाई देगा फोटोफोबिया, फ्रिक्वेंट योनिंग वाइल वॉकिंग इन ओपन एयर. सो हम ऐसा लगेगा कि हम जब भी ओपन एयर में हम जब वॉक करें तो हमें योनिंग बहुत ज़्यादा योनिंग आएंगे. देन मेंसेस लास्टिंग ओनली फॉर 1 आवर एंड कफ ओनली इन अ डे टाइम. देन व्हाट आर द क्लिनिकल्स ऑफ एलियम्सेपा, द क्लिनिकल्स ऑफ एलियम्सेपा आर कोराइसा, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, कैटरैक, कोल्ड, लैरिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया. वाइल द क्लिनिकल्स ऑफ यूफ्रेशिया आर कोराइसा, कंजंक्टिवाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड फीवर, कफ एंड नेजल कैटरैक एंड कफ. So this is all about compare and contrast of the एलियम्सेपा and यूफ्रेशिया officinalis. So जब भी हमें एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स के लिए हमें 4 पेजेस का आंसर लिखना होगा और आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एलियम्सेपा और यूफ्रेशिया officinalis के compare and contrast में. So अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.